का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अंजाम पूरी तौर पर व्हाइट हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी और साफ सुथरी हो जाएंगी, इनमें से किसी किस्म की स्मेल भी नहीं है। बनाना शुरू करते हैं, गौर से देखिएगा। सबसे पहले एक चम्मच मैं हल्दी डालूंगी। अगर आप कस्तूरी हल्दी इस्तेमाल करें तो फिर क्या ही कहने। जी हो गया जी, ये जो आप चम्मच इस्तेमाल करेंगे उसी चम्मच से अपनी तमाम चीजों की क्वांटिटी जो है वो लेनी है। अब एक चम्मच जो आपने हल्दी का लिया है उसी चम्मच से आधा चम्मच आपने ले लेना है मीठा सोडा। ठीक हो गया जी, दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक मैं इनको मिक्स कर रही हूँ, आप तमाम फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है जो पहली दफा आए, प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना। अगर बेल आइकन को आप दबाएंगे नहीं तो आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगी, चैनल सब्सक्राइब करने की वजह से आपको फौरी तौर पर नई वीडियो मिल जाएगी। जब आपको फरमाइश करते हैं तो आपको फरमाइश पूरी होने पर ही मैसेज मिल पाएगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। ठीक हो गया जी, दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब तीसरी चीज जो हम इसमें मिलाएंगे वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का आप तमाम दोस्तों को पता है कि ये मेडिकल स्टोर से बहुत आसानी के साथ मिल जाती है। हमें इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से पहले मिक्स करना है ताकि बाद में हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं हो। ठीक हो गया जी, अब मैं इसमें ग्लिसरीन मिलाऊंगी। आधा चम्मच ही आपने इसमें ग्लिसरीन का मिलाना है, यानी कि मीठे सोडे के हम वजन। मीठा सोडा और बेकिंग सोडा एक ही चीज होती है, बेकिंग पाउडर अलग चीज होती है जो कि काफी तेज होता है, वो स्किन पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ये तीन चीजें होगी, अब इन तीनों चीजों को हम मिक्स करेंगे। इसके साथ ही आप दोस्तों को बताते चलूं कि बराए मेहरबानी वीडियो को कंप्लीट सुना करें ताकि आपको अपने सवालों का जवाब वीडियो के अंदर ही मिल जाए। लास्ट में हम इसमें मिलाएंगे शहद, ये भी हमने आधा चम्मच पहले मिलाना है। इनकेस ये बहुत ज्यादा थिक बनता है जो आपको अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो तो हम इसमें और शहद मिला लेंगे, आपने इसलिए इसे एहतियात के साथ जो है वो शामिल करना है। अब इन चारों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में इसमें मैं आधे नींबू का रस मिलाऊंगी। इनकेस आपकी स्किन जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव है, जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव मतलब कि आपको कुछ भी बिल्कुल भी लेमन सूट नहीं करता तो आप इसको स्किप करें। अदरवाइज मेरा तमाम को मशवरा है कि इसके ऐड करने से ही आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक हो गया, तमाम इंग्रेडिएंट्स यही थे और ये तमाम आपको घर के अंदर आसानी से अवेलेबल होंगे। अब तमाम चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करके यकजा कर लेना है हमने और ये आपकी क्रीम जो है वो रेडी हो गई है। आपको साथ ही मैं बताती चलूं कि ये थोड़ी ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा शहद और मिलाऊंगी। जब तक मैं इसमें शहद और शामिल करती हूँ आपको बताती चलूं कि इसको स्टोर कैसे करना है। आप इसको रख सकते हैं 20 से 25 दिन फ्रिज के अंदर, आसानी के साथ ये इतनी देर सेफ रह पाएगी। तो आपने इसके बाद चलते हैं कि इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। एयर टाइट कंटेनर में कोई डब्बी क्रीम की खाली पड़ी उसको अच्छी तरह से वॉश कर ले, अच्छी तरह से सुखाना है अदरवाइज ये खराब हो जाएगी। उसमें इसको अच्छे से बंद करके महफूज कर लीजिए, फ्रिज में रख लीजिए, फ्रिज के बाहर रख लीजिए। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है हम उस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये बताते चलें कि इसको बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। अब आपने अपने अंडर आर्म पे या कोई भी एल्बो ले लीजिए या कि आपके डार्क नकल्स हैं किसी भी डार्क एरिया पर, लेकिन चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं, चेहरे पर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना क्योंकि हमने इसमें सोडा ज्यादा क्वांटिटी में मिलाया है जो चेहरे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि चेहरे की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है। आपने इस तरीके से इसको अपने अंडर आर्म पे अप्लाई कर लेना है या कोई भी डार्क एरिया है, तो उसके बाद आपने इसको 20 मिनट छोड़ देना है। 20 मिनट के बाद सिंपली आपने इसको वॉश कर देना है एंड दैट्स इट। इतनी ही बात थी।
20 मिनट के बाद जब आप इसका इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लगेगा। एंड आई एम श्योर कि जब आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा आप इसे जरूर शेयर करेंगे और रिजल्ट को मेरे साथ भी शेयर करिएगा और इंशाल्लाह ताला गारंटी से आपको रिजल्ट मिलेगा एक ही दफा के इस्तेमाल करने से। और एक दफा के इस्तेमाल के बाद आपको 15 दिन तक इसको अप्लाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इनके जरूरत से ज्यादा आपके अंदर ब्लैक है डार्क है तो आप इससे 15 दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लें, आप 15 दिन में 4 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचेंगी।